शिवरात्रि के पावन पर्व पर सुबह से ही बुलंदशहर के शिवालयों में लाखों जो शिव भक्त हैं वो जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस समय हम मौजूद हैं बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के गंगेरो गांव में, जहां पर देश के विशालतम शिवालयों में से एक शिवालय बना हुआ है जिसकी ऊंचाई 72 फीट बताई जाती है। आपको बता दें कि ये देश के विशालतम शिवालयों में से एक शिवालय है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर एक विशाल जो शिवलिंग है वो बनाई गई है जिसकी ऊंचाई 72 फीट है। और आपको बता देंगे देश के जो विशालतम शिवालय हैं उनमें से एक है। इसकी खासियत आपको बताएं कि यहाँ पर जो शिवलिंग है इसके अंदर, शिवालय के अंदर, आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों को यहाँ पर स्थापित किया गया है। और देश के 12 ज्योतिर्लिंगों से स्पर्श कराने के बाद जो ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो कांवरी हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए पहुँच रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस शिवलिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ श्री द्वादश महालिंगेश्वर जो भगवान हैं उनको विराजमान यहाँ पर किया गया है। जो देख सकते हैं कि कांवरिए हैं वो यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुँच रहे हैं लगातार। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनकी स्थापना की गई, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। ये देश के जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनसे स्पर्श कराकर ये जो शिवलिंग है वो यहाँ पर लाए गए हैं। सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दूर दूर से पहुँच रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि देश के विशालतम शिवालयों में से एक शिवालय बताया जाता है और जिसकी ऊंचाई 72 फीट है। इसको देखने के लिए यहाँ पर दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तो यहाँ जो ज्योतिर्लिंग है उनकी स्थापना की गई है। आप देखते हैं श्री भीमाशंकर जो महाराज हैं उनकी स्थापना की गई है, श्री वैद्यनाथ जी, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, तमाम जो शिवलिंग हैं 12 हमारे देश के उनकी स्थापना की गई। और देख सकते हैं यहाँ पर जो लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर जलाभिषेक भगवान का कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि यहाँ एक ही स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंगों की जो दर्शन है उनका फल प्राप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए एक पंडित जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मंदिर है उसकी स्थापना की गई और किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या आपका नाम है ये बताइए? मेरा नाम भोलादत्त जोशी, मैं यहाँ से करीब 5-6 साल से कार्यरत हूँ, भगवान जी की पुजारी के तौर पर उनकी सेवा कर रहा हूँ। और यहाँ के बारे में कहूँ तो यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं, जो भी 12 जगहों पर विराजमान हैं, जैसे उज्जैन में महाकाल हैं, तो वहाँ से उस प्रतिमा को वहाँ जाकर स्पर्श कराकर उसी रूप का आह्वान कराकर यहाँ पर स्थापित करा है, ताकि जो भक्त वहाँ ना जा पाए यहाँ एक ही साथ वह 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शनों का पुण्य फल प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 जगहों पर जाकर सबकी यहाँ पर स्थापना करी है। जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर सुबह से ही पहुँच रहे जलाभिषेक कराने, किस तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है आज भी? बहुत ही प्यारी व्यवस्था है, आपके सामने ये व्यवस्था बनाई है। भक्तों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बाहर बाहर से आए जल चढ़ाएं और वहाँ से पूरी लाइन लगा रखी है, ये आपने दिखाया होगा, तो पूरी व्यवस्था को खूब लाखों श्रद्धालु यहाँ सुबह जल चढ़ाकर चले गए हैं अभी तक, बहुत बढ़िया भगवान की कृपा से। यहाँ देश के विशालतम शिवालयों में से एक बताया जाता है, कितनी ऊंचाई इसकी है? इनकी 70 फीट ऊंचाई है, शिवलिंग है। यह शिवलिंग एक प्रेरणा के तहत बना है, जो यहाँ के मंदिर के संस्थापक आचार्य मंजी धर्मध्वज जी हैं, उन्हें भगवान ने स्वप्न में या अप्रत्यक्ष या ध्यान के रूप में अपने दर्शन दिए। उन्होंने दर्शन के रूप में कहा कि आप मेरी यहाँ पर स्थापना करें, 70 फीट बड़ा स्वरूप में स्थापना करें। तभी उस प्रेरणा के तहत उन्हें यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग और शिव परिवार आदि समस्त देवताओं की यहाँ पर उनने स्थापना की। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी यहाँ पर, जो बता रहे थे कि यहाँ एक ही स्थान पर जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन करने का जो फल है प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से जो मनोकामना है शिव भक्तों की वो पूर्ण होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।